सागर जिले के राहतगढ़ में बीना बांध परियोजना अंतर्गत चरकपुर डैम के किसानों और रहवासियों की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर राहतगढ़ तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। चरकपुर डैम का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, जबकि हम सभी किसानों की कृषि भूमि डूब प्रभावित है। इसका मुआवजा आज दिनांक तक नहीं दिया गया है और डैम निर्माण का कार्य प्रगति पर है। हम किसानों को जल्द ही मुआवजा दिलवाया जाए, अन्यथा डैम निर्माण कार्य रोकने के लिए सभी किसानों को बाध्य होना पड़ेगा। लोगों के गाँव में रहवासी मकान, आवास, झोपड़ी, कच्चे मकान सभी बने हुए हैं, जिनका सर्वे जल्द जल्द हो। कितने परिवार बेघर हो रहे हैं, इनके लिए शासन स्तर के अन्य भूखंड निर्माण कार्य के लिए मुआवजा राशि दिलवाई जाए। पूरे गाँव के गाँव एक टापू की तरह बनते जा रहे हैं। हम लोगों को गाँव तक पहुँचाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। इससे पहले इन लोगों ने स्वयं 8-10 गाँव के लोगों ने ज्ञापन दिया था, इसकी मुझे जानकारी मिली थी और अभी बताया इन्होंने कि मंत्री जी से हमारी बात भी हुई है और बीना बांध के लोग भी गए थे और इन लोगों की बात भी हमारी मंत्री जी से हुई थी। मंत्री जी ने ये आश्वासन दिया था वहाँ जल संसाधन विभाग के लोगों को बैठा के कि हमारे यहाँ जो बांध बन रहे हैं तो इनके लिए क्या उचित मापदंड है, तो उन्होंने इन लोगों को जानकारी दी थी कि 1,25,000 रुपये हेक्टेयर के हिसाब से इनको मुआवजा दिया जाएगा। इससे किसान खुश नहीं हुए, किसान आंदोलन के लिए उत्साहित हुए और किसानों ने अपनी मतलब रखी कि हमें इतने में हम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। और हम लोगों ने भी हमारे कांग्रेस पार्टी के और हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से मंत्री जी से बात की थी। मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया था कि ये केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और केंद्र सरकार हमारी मध्य प्रदेश सरकार के साथ दुर्भाव सौतेला व्यवहार कर रही है और यदि बीना बांध और ये चकरपुर बांध के लोगों को यदि उचित मुआवजा नहीं दिया गया तो हम सब क्षेत्र के लोग मंत्री जी साथ में रहेंगे। उन्होंने कहा आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई रहेगी और हम लोगों ने भी कहा, अभी विनोद ओसवाल जी हम लोगों ने भी कहा है कि आप क्षेत्र की लड़ाई नहीं है, हम लोगों की भी लड़ाई है और हम लोग तन मन धन से चकाजाम भी करेंगे, केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन भी करेंगे, यदि उचित मुआवजा नहीं दिया तो शांति के धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और ये अभी हम लोगों ने बात भी रखी है कि सोमवार से हम लोग धरने पर भी बैठेंगे। यदि मांग अभी कलेक्टर के माध्यम SDM के माध्यम से कलेक्टर के लिए वो ज्ञापन दिया गया है और शनिवार तक यदि ये लोग हम लोगों को कोई जानकारी नहीं देते तो सोमवार से हम लोग भी इनके साथ में धरने पर बैठेंगे। SDM साहब के द्वारा कलेक्टर साहब को आवेदन दिए लेकिन कोई आज तक सुनाई नहीं है। डैम का काम प्रगति पर है, काम चालू है और हम लोगों को आज तक यही पता नहीं है कि सर क्या मुआवजा मिला, लिखित में कोई भी सूचना नहीं दी गई, इसलिए हम लोग SDM साहब तहसीलदार साहब को कलेक्टर के नाम के द्वारा ज्ञापन दिया गया। डिमांड क्या क्या उसमें? उसमें हम लोगों ने यही मांग करी है कि हम लोगों को मुआवजा 30 लाख रुपए हेक्टर दिया जाए क्योंकि और इसमें हम लोगों के गांव जो हैं टापू बन रहे हैं। अच्छा, उसमें एक बात और है कि हम लोगों के गाँव नहीं डूब रहे लेकिन गाँव चारों तरफ से पानी से घिर रहे हैं, उसकी वजह से जब जमीन डूब रही तो गांव ना डूब सके। हम लोग जब घर घर जाएंगे रास्ता नहीं रहेगा तो फिर घरों का भी मुआवजा देने चाहिए, घरों का मुआवजा नहीं दे रहे, कोई सर्वे नहीं करी उनने घरों की, जो जमीन बच रही है वो। आपके आपके एरिया में मंत्री से बात हुई कभी? मंत्री जी से तो अभी बात नहीं हुई भाई, अभी बात नहीं हुई। क्यों? मंत्री जी से बात नहीं हुई नहीं कहूँ का है तो पेड़ पौधे चले जाए, जमीन असिंचित लिखी हैं जो हम लोग भगेंगे, एक एक बच्चे को नौकरी मिलना चाहिए, हर घर के एक सदस्य को लिखे कागज पत्रों में पहचाने लगने चाहिए, हमारा जो कहा भैया बैंक में यहाँ खाता खोलो कहूँ भी खुलेंगे, आधार कार्ड भी बनना आना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा, इसमें पैसा नहीं लगना चाहिए, शासन की तरफ से होना चाहिए जी। अगर कछु बेचबो भी चाहे जमीन जाएगा तो भाभी ने रजिस्ट्री हो रही है, कुछ काम सब काम रुके हैं, घर बना पा रहे हम लोग बुरी तरह से परेशान हो रहे और कछु चाहे जी समस्या है नहीं समाधान कर अपनी मांगों को लेके SDM साहब, तहसीलदार साहब और प्रशासनिक लाइन के कई अधिकारियों के सामने हम अपनी मांगें रख चुके लेकिन अभी तक जो है 1-1.5 साल हो गई डैम का काम चालू है और हमें पूरे आश्वासन दे दिए जाते हैं लेकिन उसके ऊपर हम कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। बहुत से किसानों की ज़मीनें जो पहले से सिंचित चली हुई हैं खतरा बीवन में और रिकॉर्ड के अंदर, अब वर्तमान में जो नोटिस पहुंचे हैं उसमें असिंचित जो है ज़मीनें लिखी हैं। वर्तमान मुआवजे का ऐसा सुनने में आ रहा है कि 4 लाख रुपए एकड़ यानी 10 लाख रुपए हेक्टेयर
का अधिकारी बता रहे हैं कि मिलेगी। अब आज के दौर में हम अगर कहीं जमीन लेने जाएंगे, किसान जिन किसानों की जमीनें डूब में जा रही हैं, तो कम से कम 10-12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए एकड़ से कहीं भी इलाके में हमें ज़मीन नहीं मिलेगी। और किसान की रोजी रोटी और तमाम ज़िंदगी के गुजारने की एक बहुत अहम चीज़ ज़मीन है, और वो हमसे हमेशा के लिए छुड़ाई जा रही है, और हम लोगों के लिए उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आप लोग कई बार आवेदन दे चुके हैं, मंत्री से कभी संबंध बात हुई है? मंत्री से एक मरतबा जो है गल्ला मंडी में आए थे मंत्री जी गोविंद राजपूत जी, तो उनसे हम लोगों ने किसानों ने चर्चा करा था कि साहब हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया था कि एक मरतबा जो है कलेक्टर साहब के और SDM और जल संसाधन विभाग के जो अधिकारी हैं इनके साथ जो है अपन मीटिंग करेंगे और उनके सामने जो है किसानों का पक्ष रखेंगे और उचित मुआवजा दिलाने की जो है पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और ऐसा हो रहा साहब कि किसी किसान की 10 एकड़ ज़मीन है, आप 10 एकड़ ज़मीन में से 5 एकड़ ज़मीन का नोटिस पहुँच गया कि तुम्हारी डूब में जा रही है, 5 एकड़ ज़मीन बच रही है या 2 एकड़ ज़मीन बच रही है, अब वो किसान जो है पूरा गांव चारों तरफ से पानी से घिर जाएगा। अब हम किसान मान लो किस तरीके से खेती करने जाएंगे, या हमारी पूरी ज़मीनें जा रही हैं तमाम, और बहुत से गांव जो कच्चे और पक्के मकान बने हुए हैं वो मकान डूब क्षेत्र में नहीं जा रहे। गाँव का जो सेमरा गाँव है या मुड़िया गाँव है या भानगढ़ है या शिकारपुर है या मनकापुर है, बिलासपुर, जो जो भी गांव हैं, बहुत से मकान डूब क्षेत्र के बाहर हैं। अब चारों तरफ साफ पानी भर जाएगा, अब बताओ हम लोग कश्तियों से या हेलीकॉप्टर से कैसे जाएंगे गांव में, और हम लोग वहां क्या करेंगे रह के? सारी सुविधाएं जो है ख़त्म हो जाएंगी, रोड भी बंद हो जाएंगी। तो हम शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि वो सारे के सारे गांव वालों के लिए घर मकानों का उचित मुआवजा दिया जाए, और हर किसान के परिवार जितने भी किसानों की ज़मीनें डूब में जा रही हैं, सारे किसानों के हर एक के घर से एक आदमी को सरकारी जो है नौकरी दी जाए। लो कितने किसान प्रभावित? अरे साहब ये इसमें बहुत से किसान प्रभावित हैं, मैं गिनती तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी तकरीबन जो है 4-5 हज़ार किसान जो है इससे जो है प्रभावित हो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।